नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से आप तैयारी करें, किसके अनुसार आप तैयारी करें, किस अनुसार से आपको तैयारी कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में शुरू कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, सब स्टूडेंट परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी को किस अनुसार से करेंगे कि बेहतर हो, उसको हम आज इस टॉपिक में आप लोग को बताने वाले। कुछ टॉपिक, उस टॉपिक को आप लोग को अच्छी तरह से समझ लेना, उस टॉपिक के अनुसार चलिए, आप लोग को जरूर सफलता मिलेगी। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है, आपको एक लक्ष्य चुन लेना है कि हमको करना क्या है। जैसे हमको रेलवे में जाना है, SSC का तैयारी करना, बैंकिंग का तैयारी करना है, BPSC का तैयारी करना है, जिसका भी तैयारी हो, जिसका भी आपको करना है, एक चुन लेना है कि हमको क्या करना है। तो उसके बाद जब आपका पॉइंट पहला आ जाता है, अपना लक्ष्य चुने, लक्ष्य में आपका जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उसको चुन लेना है। उसके बाद एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, उस एग्जाम के सिलेबस को आपको देख लेना है। सिलेबस आपके पास होना जरूरी होता है, उस सिलेबस को देख लेना है, उसमें क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, उस सिलेबस को आप अच्छी तरह से एक बार समझ लें। आपको नहीं समझ आ रहा था, किसी आप जो इससे बड़े हैं उससे एक बार समझ लें। जब आप सिलेबस को आप पूरी तरह से समझ जाइएगा तो आपको एग्जाम में तैयारी करने में कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी। तो उसके बाद जब सिलेबस आप चूज कर लिए, तब आप लक्ष्य चूज कर लिए, सिलेबस चूज कर लिए, तो आप अपना एक समय सारणी चूज कर लेना कि हमको कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है, अपना समय सारणी कर लिए, तीसरा टॉपिक हो गया। फिर चौथा टॉपिक आपको करना है कि जो भी आप टॉपिक को चुने हैं, जोन भी आप लक्ष्य को चुने हैं, उसके अनुसार आप उस बुक का अध्ययन करें। और जब आप बुक को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें आपको एक चीज और अलग कर लेना, आपका सबसे कमजोर कौन सब्जेक्ट है, कौन विषय पे आप कमजोर है, तो उसको एक पॉइंट आपको लिख लेना है कि मेरा ये टॉपिक कमजोर है, तो उस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देके पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको आ जाता है कि जोन भी चीज को आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा स्लिप में, एक छोटा सा पुर्जा में लिख लिख के आप एक छोटा बना के आप कहीं रूम में जहां बैठते हैं वहां चिपका के भी आप ध्यान से याद कर सकते हैं, या उसको आप साथ में भी रख सकते हैं, कहीं घूम रहे हैं, जहां टहल रहे हैं वहां भी आप उसको देख के याद कर सकते हैं। देखिए, याद करना कोई चीज नहीं होता है जरूरी, उसको समझना जरूरी है। किसी भी टॉपिक को आप समझ गए तो आपको उसका आंसर जब भी आपसे पूछेंगे आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप नहीं समझे तो उसका कितनों भी आप उसको रटिएगा या रट्टा मारिएगा, आपको थोड़ा परेशानी हो। उसके बाद आ जाते हैं आप जिस भी क्लास जाते हैं, जहां भी कोचिंग जाते हैं, आप जहां भी रहते हैं, तो आप उस आदमी को से दोस्ती करें, आप उस आदमी से दोस्ती करें जिसमें टैलेंट हो, जो तेज हो पढ़ने लिखने में, जिससे कि आपको मदद मिले। आप गलत लड़के के संगत में ना रहे जो कि आपको पढ़ाई से डिस्टर्ब करे। उसके बाद फिर आपका आ जाता है, आप जहां भी रहे वहां अच्छा माहौल रहे, पढ़ने का माहौल रहे वहां रहे। फिर उसके बाद आ जाता है, आप जो भी दोस्ती करना है आपको एक बुक से करना है, बुक के सिवा आप किसी से नहीं करना है। उसके बाद लास्ट आपको आ जाता है, किसी भी फालतू का एक्टिविटी में आपको शामिल नहीं होना है। ओनली आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से मतलब रखना है, फालतू का कोई भी एक्टिविटी में नहीं जाना है। ये सारे चीज को आप मेंटेन कीजिएगा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी एग्जाम का तैयारी मतलब तैयारी होता है, टाइम पास नहीं होता। जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, मन से आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप मन से 6 महीना कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मन से टाइम को, समय को देखते हुए आप तैयारी करें। अभी के टाइम में जो भी स्टूडेंट मेहनत करते हैं उसको सफलता जरूर मिलती है। अब देखिए, एग्जाम का तैयारी बहुत सारे छात्र करते हैं, उसमें सफलता बहुत कम को मिलती है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए और आगे जाइए, आप लोग को सफलता मिलेगी। आप लोग समय के अनुसार सारे चीज को मेंटेन कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग को वीडियो देखने के धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप लोग से एक उम्मीद है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के।